पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के पिज्जा हट और डोमिनोज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने रूटीन चेकिंग के दौरान छापेमारी की। दरअसल सरकार के सख्त आदेश के बाद मुरादाबाद में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने खाद्य विभाग की टीम के साथ मुरादाबाद के पिज्जा हट और डोमिनोज के साथ साथ कई रेस्टोरेंटों में भी रूटीन चेकिंग की। रूटीन चेकिंग के दौरान उन्होंने रेस्टोरेंट संचालकों को कड़े दिशा निर्देश दिए, तो वहीं कुछ रेस्टोरेंट में शिकायत के चलते वहां के सैंपल भी लिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि बहुत लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद रूटीन चेकिंग की गई और अब देखा जाएगा कि खाद्य पदार्थों में कहीं कोई कमी तो नहीं है। जो इंडस्ट्री वगैरह नहीं दिखाए, जो तार वगैरह फैला रखे हैं रोड के किनारे, वो जो है डेंजरस है, किसी का पैर पड़ सकता है, कभी खतरा हो सकता है, जिसको समझ ना मेन कंट्रोल अपना है उसके ऊपर जो है सबका नाम लिखवा में कैसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जाए तो जानेगा कैसे इस चीज़ को कैसे आह्वान करें, कैसे ऑफ करें, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें और पोल के पास से पहले तो इंस्टॉलेशन हट वाले अपना जो पोल के पास बनवा रखे हैं वो उचित नहीं है, समझ रहे। तो क्या मतलब क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं कमियाँ हैं? नहीं, कमियाँ तो है, कमियाँ बिजली जितना आपके लिए सुविधा है उसी प्रकार से उसका जो नियंत्रण है उसको बहुत सुचारू होना चाहिए, क्योंकि वो खतरा भी कर देता है। अब जो छापामारी हुई है तो इसमें छापामारी नहीं हुई है तो इसमें क्या मतलब क्या करेंगे अब आप? क्या एक अभियान है हमारे जिलाधिकारी महोदय का, जिसमें लोग जो जानकारियां लोगों को नहीं है वो उनको दिया जाए, समझ रहे हैं। यदि कोई कमियां है जो आदमी नहीं जानता है, कभी कभी ऐसा होता है बहुत नियम स्वयं आदमी नहीं जानता है कि ये भी होना चाहिए, वो वर्षों से काम कर रहा है तो उसको भी जानकारी हो कि सब करवाना चाहिए ना, वो भी जानकारी देना भी ये उद्देश्य है।